بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يضر ما اختار القائلون ولا يحسن معه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكوحين جد الحسن والحسين أعاني والقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم ورجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات سے وابستہ بانیان متولیان حاضرین خاص طور پہ بٹ صاحب مرحوم رحم اللہ عنہ قرآن فاتحہ ستایا ہوتا ہے وہ بھی مرتے مرتے ان کا قصیدہ لکھ جاتا ہے
में कैफियत किसी और यहां नहीं है। मनसब अगर कमाल है तो सारे मनसब यहीं पर है, अगर नबुवत मनसब है तो वो इस घर में है, अगर इमामत मनसब है तो वो इस घर में है, अगर इस्मत मनसब है तो वो इस घर में है, अगर तहारत मनसब है तो वो इस घर में है, अगर विलायत मनसब है तो वो इस घर में है, अगर जमीन की हुज्जियत मनसब है तो वो इस घर में है, अगर आसमान की परवाजें मनसब है तो वो इस घर में है, और अगर जन्नत की सरबराही मनसब है तो वो इनके बच्चों का है। मनसब अगर देखना है तो तमाम तर आसमानी और इलाही मनसबों की सदारत भी है। सखावत अगर कमाल और फजीलत है तो यहाँ सखावत ऐसी है कि इनके पास नहीं होता तब भी दे देते हैं। एक जवान कहने लगा मौलाना बात माकूल करें। मैंने कहा जी मैंने क्या कहा? कहने लगे आप कह रहे थे नहीं होता तब भी दे देते हैं, नहीं होता तो क्या देते हैं। मैंने कहा मैं तुम्हें कुरान की एक आयत पढ़कर सुनाता हूँ। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाया वल्लदीना युनफिकूना फिस्सर्राई वद्दर्रा, एक कबीला ऐसा भी है जो ताराई में भी देता है और नादारी में भी दे देता है। तो ताराई में देना तो समझ में आता है, नादारी में कैसे देता है? तो अजीजो उलझन सिर्फ इतनी है कि बहुत से लोगों ने यह सोच रखा है कि पैसे होंगे तो देंगे, जबकि किस्सा यह है कि ये देने वाले होते तो इनके पास पैसा होता। देने का कोई ताल्लुक पैसे से नहीं है, सखावत का कोई ताल्लुक दौलत से नहीं है। सखावत तो एक अमर तल्बी है, एक कैफियत अताई है। वो जो देने का इरादा करता है फिर अल्लाह उसे अपना दरवाजा बना देता है। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले है कि किसी तरह हमारे जरिए किसी को खैर पहुंचे, तो मेरा और आपका काम तो इरादा करना है, नियत अपनी पाक करनी है, नियत अपनी साफ करनी है, फिर अल्लाह हमारे जरिए से दिलवाएगा। लिहाजा सखावत भी यहाँ कमाल पर है। और ये देने वाले ऐसे हैं कि मांगने वाले इस दरवाजे पर बड़े लोग आते हैं, यानी ना सिर्फ मांगने वाले वो आते हैं कि जो लेने वाले होते हैं, बल्कि यहाँ मांगने वाले वो भी आते हैं जो देने वाले होते हैं। अल्लाह ने फरिश्तों को मुदब्बिरात अम्र करा दिया है, पूरी कायनात के उमूर फरिश्ते चलाते हैं, मगर ये घराना वो है कि जिस दरवाजे पर फरिश्ते भी मांगने आते हैं, और इनका मांगने का अंदाज भी कुछ और है। कभी फकीर बनकर आते हैं, कभी असीर बनकर आते हैं, कभी मिस्कीन बनकर आते हैं, और आने वाला एक होता है, रोटियां पांच मिलती हैं। तो ये कैफियत इस घराने की है। आज मेरी पहली मजलिस अपने हिस्से की है, इस हमसे की पहली मजलिस है। तो आयत गुजरा मैं हजम करना चाह रहा हूँ, मुझे आयत हजम होगी तो शायद हजम करवा पाऊंगा, जब तक मुझे जायका नहीं आएगा जायका मुंतकिल नहीं होगा, और कुरान फहमी से पढ़कर किसी भी हलवे में जायका नहीं है, जो कुरान फहमी में जाए। शेख भाई को जब कुरान की कोई आयत समझ में आ जाती थी ना, आयतुल्लाह शेख भाई को जिनका मजार जिनकी खबर इमाम रिजा के हरम में है, उन्हें जब कोई आयत समझ में आ जाती थी तो वो अपने घर के सहन में रक्स सुनवाई फरमाते थे, यानी ऐसी चाल चलते थे जैसे कोई रक्स कर रहा हो। तो फिर कहते थे कहाँ है बादशाहों की औलादें जो आराम दे बिस्तरों पर लेट कर महंगे महंगे कपड़े पहनकर उमदा उमदा गजाएं खाकर कहते हैं कि लज्जत इसे कहते हैं, कोई हमसे पूछे कि लज्जत किसे कहा है। लज्जत तो इल्मी मसलों के हल हो जाने में, एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। बेहतर और बुलंद सलवात।
शजाअत का आलम यह है, तवज्जो, जो शजाअत का आलम यह है कि ये कभी तलवार से बहादुरी का मुजाहिरा करते हैं, कभी तलवार को दुश्मन को देकर मुजाहिरा करते हैं। दुश्मन इनसे तलवार मांग लेता है तो उसे भी खाली हाथ नहीं जा रही होती। जब एक जंग में माला के दुश्मन की तलवार टूट गई, निहत्ता हो गया, तो अली ने मुंह मोड़ लिया, वापस जाने लगे, इसलिए कि अली उसे नहीं कहते जो निहत्ते पे हाथ उठाए। मजबूर पर हाथ उठाना वैसे ही छोटे आदमी के नाम। मौला वापस जा रहे थे, उसी आवाज आई, हबली सैफा क्या अली, या अली अपनी तलवार मुझे दे दीजिए। मौला ने एक लम्हा नहीं लगा, पलटे, एक लम्हा नहीं लगाया, पलटे, अपनी तलवार उसकी तरफ फेंक दी। मौला की तलवार उठाकर मौला के करीब आने लगा, बिल्कुल सर के करीब तलवार लाके कहने लगा, कोई अपने कातिल को तलवार देता है, कोई अपने दुश्मन को तलवार देता है? हजरत ने फरमाया, पहले दुश्मन था फिर साहिल हो गया था। सही पढ़कर बताओ, इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं फैला, अली के अखलाक पर फैला, अहले बैत के अखलाक पर फैला है। सरकार दो जहां की सीरत से इस्लाम आम हुआ है। शजाअत का आलम इंतहाई है। और अजीजा निगरामी, गैरत का आलम यह है कि ये सर दे देते हैं, हाथ नहीं देते, यानी बैत नहीं करते। ने हाथ मांगा था, बैत मांगी थी ना कि हाथ पर हाथ रख दो, अब तुमसे बैत मांग रहे तुम हमारे हाथ पर हाथ रख दो। इन्होंने हाथ पर हाथ नहीं रखा बल्कि सर दे दिया, तुमने सर तो नहीं मांगा था। लिहाजा इन्होंने गैरत का ऐसा मुजाहिर किया है कि कयामत तक जो भी इनका तस्करा करेगा वो गैरतमंद कहलाएगा। कुछ चीजें तो खुद ब खुद आती है, यानी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें हम खा लेते हैं, उसका उसकी तासीर बताती है कि हमने क्या खाया, नहीं खाने के बाद कुछ अच्छा या बुरा होने लगता है, और फिर जब अच्छा हो रहा होता है या बुरा हो रहा होता है और हम किसी माहिर से पूछते हैं तो कहते हैं आपने क्या खाया आज दिन, वो बताते हैं, आप बताते हैं ये चीजें खाई हैं, तो कहता है कि इस वजह से हुआ है। तो बाद में तो हमें पता भी नहीं होता कि हम क्या खा रहे हैं, मगर उसकी तासीर बताती है कि क्या खाया। ऐसे ही बहुत सारे कमालात ऐसे हैं कि जो हमें तो सुनने को मिल रहे होते हैं, जाते आते उठते बैठते हमने वो कमाल सुन लिया होता है, मगर उसका असर आ रहा होता है। जो जुल्म ना करता हो, जो जुल्म बर्दाश्त ना करता हो, वो अगर कहीं आपको नजर आए तो आपको बेसाख्ता उसे पूछना पड़ेगा, मजलिस में तो नहीं जाते हो? इसलिए कि मजलिस में जाने वाला ना जुल्म करता है ना जुल्म बर्दाश्त करता है। ये तासीर है जो खुद ब खुद आ रही है। मुतवक्किल ने दौर, मुतवक्किल ने चुन चुन कर अली के शिया कत्ल करवाए, जिंदा आबादियां जलवा दी। बहुत बड़ा जुल्म हुआ, तारीफ है कह लीजिए मुसलमानों की तारीफ में, इस्लाम की तारीफ तो यही है, इसलिए कि मुसलमान की तारीफ और है, इस्लाम की तारीफ और। मुसलमान की तारीफ तो शर्मिंदगी के अलावा कुछ और है नहीं। मुसलमान की तारीफ में तो शराब नोशी भी है, मुसलमान की तारीफ में तो जुल्म ज्यादती भी है जी, हुर्मतों की पामाली भी है, आबरू रेजियां भी है। मुसलमान की तारीफ पर तो गैर मुस्लिम भी शर्मिंदा होता नजर आता है, मगर इस्लाम की तारीफ तो सुनहरी है, हसीन है, लजीज है, जायदेदार है। मैं अगर तवील गुफ्तगू करूं, ये मेरा पसंदीदा मजमून है, लेकिन सिर्फ गुजरते हुए बात कर रहा हूं कि इस्लाम की तारीफ और मुसलमान की तारीफ, इस्लाम की तारीफ और मुसलमान की तारीफ में मोटा सा मुशाहिदाती फर्क यह है कि मुसलमान की तारीफ बनी उमैया और बनी अब्बास की तारीफ है, और इस्लाम की तारीफ अली और फातिमा और हसन हुसैन की तारीफ। अगर किसी को इस्लाम की तारीफ देखनी है तो उन्हें अहले बैत के पास आना होगा, जहां जहां इज्जत ही इज्जत है, एहतराम ही एहतराम है, अखलाकियात का उरूज और कमाल है। लिहाजा बहुत सारी चीजें जो हमें खुद ब खुद मिल रही है, हमें अंदाजा भी नहीं है कि हम हमें क्या कुछ
दौलतें मिल रही हैं। बताहिर तो हम फर्श पे बैठे हुए हैं, बास इमाम बारगाहों का फर्श भी बहुत ऐसे ही होता है बस, और कलका चुभ रहा होता है, पत्थर चुभ रहा होता है, घुटना चुभ रहा होता है, ऐसा धक्का लग रहा होता है, जूते जैसे पहन के आए होते हैं ऐसे मिलते नहीं है बाद में। तो बाज इमाम बारगाहों में तो ये सही, मगर हमें इसका कोई फिक्र नहीं है, इसकी हमें कोई ख्याल, हमें एहसास नहीं है, इस किस्म के इसलिए आए भी नहीं थे जी। इमाम बारगाह में तो भी नहीं थी कि कोई गद्दे लगे हुए होंगे, कोई तकिए लगे हुए होंगे, नहीं, हम तो सादगी की तलाश में आए थे। हम मट्टी से बने हुए हैं, जितना करीब मट्टी के होते चले जाते हैं इतना हमारा जमीर मुतमईन होता चला जाता है। मरने वालों के लिए पढ़ा नहीं जाता है, बल्कि जैसे थे वैसे ही हो जाओ तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमें पता भी नहीं है कि हम यहाँ बात बहुत सी चीजों का नहीं मालूम कि हम यहाँ बैठे तो इसका क्या क्या फायदा हो रहा है, क्या क्या हमें इसका फायदा हो रहा है। यहाँ बैठने वालों की ऐनक तब्दील हो जाती है, यहाँ बैठने वालों की दीद बदल जाती है, वो देखने लगते हैं जो हुसैन दिखाना चाहते हैं। भाई मसला सारा ऐनक का है, अगर सुर्ख शीशों की ऐनक लगा ले तो शलजम भी चुकंदर बन जाता है। तो ये शलजम चुकंदर नहीं हुआ, ऐनक बदली है, तो ऐनक बदलने की जरूरत है। दुनिया की ऐनक लगाएंगे तो हमें दुनिया नजर आएगी, हुसैन की ऐनक लगाएंगे तो हमें घर वाला नजर आएगी। इतने शौक से आप किसी के घर की शादी में नहीं जाते, बल्कि वहां तो शराइत लगाते हैं कि नाम में मेरे उन्होंने सैयद नहीं लगाया, मैं तो सैयद हूं, मैं मसला न तो नहीं, उन्होंने जैदी लिख दिया था तो मैं तो शादी में नहीं जा रहा, बहाने ढूंढ रहे होते हैं उन्होंने शादी ब्याह में न जाने के बहाने। लेकिन यहां तो झूठे से इश्तहार लग जाए कि भाई मसला मजलिस इतने बजे होगी तो सच्चे से सब जमा हो जाते हैं बाद में, अगर उस वक्त में मजलिस भी ना हो रही हो तो नाराज भी नहीं हो रहे भाई, बेहतर था वक्त पे कर लेते, लेकिन नहीं, अगर हम आए भी हैं तो हम कुछ लेके जा रहे हैं। और यकीनन मेरे बच्चे और जवान इस बात को महसूस करें कि यकीनन हम कोई मादी गिजा के लिए नहीं आते, बल्कि हम असली जो गिजा है वो रूहानी गिजा है, मानवीय गिजा है, जिसकी वजह से हम यहाँ आए। जब हम यहाँ आते हैं और यहाँ से होकर जाते हैं तो कुछ चीजें यहाँ से खुद बखुद हमें मिल जाती है। देखिए हमारी आंखें देख नहीं रही, मगर वो चीज तो है ना जो हम नहीं देख रहे, हमारे कान बहुत सारी आवाजें नहीं सुन रहे, मगर वो चीज खत्म नहीं हो जाएगी हमारे ना सुनने से। मुझे नहीं पता फलां ट्रेन इतने बजे सखर यहाँ से जाएगी, मिसाल पेटी यहाँ से जाएगी, मगर मेरे पता होने या ना होने से ट्रेन रुकेगी नहीं, वो अपने जगह पर अपने वक्त पे काम करती रहेगी, चीजें जिन्हें काम करना है। ऐसे ही इन जिक्रों में, इन महाफिल और मजालिस के अंदर कुछ काम हो रहे होते हैं जो मुझे नजर नहीं आ रहे होते। मसलन मासूम इरशाद फरमाते हैं, जब नबी और आले नबी का कहीं जिक्र हो रहा होता है तो अल्लाह कुछ फरिश्तों में इंतखाब करता है फरिश्तों को कि वो जाकर उन लोगों के दरमियान बैठ जाएं जो नबी और आले नबी का जिक्र कर रहे हैं। जी जी, और फिर जब वो फरिश्ते वापस मस्जिद खत्म होती है और वो वापस जाते हैं तो रह जाने वाले फरिश्ते कहते हैं कि तुम्हारे अंदर से वो खुशबू आ रही है जो हमने आज से पहले सूंघी नहीं। उस फर्श पर ले जाकर हमें बिठा दो जहां वो बैठे हुए थे, यानी मजलिस खत्म भी हो जाएगी तब भी यहां बरकतें जारी रहेंगी। और उनसे हमें जो कुछ मिलना था, पता नहीं हम क्या सोच रहे थे, क्या सोच कर आए थे, इसमें ना कल एक खास कैफियत है इस जिक्र में बैठने की, लिहाजा ये मामूली जगह नहीं है, मामूली बात नहीं है, बहुत सारी चीजें खुद ब खुद हमारे अंदर आ गई। मसलन हमारे यहाँ एक दोस्तों का तबका है या कुछ दोस्तों का ख्याल है कि रोना मजलिस में रोलाया घंटे तक रुलाते रहे, ये रोना मतलब तो नहीं था, ये मकसद तो नहीं था, हम रोने के लिए तो नहीं बैठा हुआ। बाज लोगों का ख्याल,
मैं उनसे कहता हूं कि भाई जरा रोने के फलसफे पर गौर करो। सारी कौम को जो आइम्मा ने एक ट्रैक पे डाला है, एक काम पर डाला है कि जो मेरे जद हुसैन पे रोया या जिसने रुलाया या जिसने रोने का माहौल बनाया, मैं तर्जुमा नहीं करता जिसने रोने की शक्ल बनाई, ये माहौल, ये मजलिस मनबका और आपका और तबाह का, जो रोया जिसने रुलाया जिसने रोने का माहौल बनाया, जो रोया यानी आप, जिसने रुलाया यानी मजलिस सदाकर, और जिसने रोने का माहौल बनाया यानी बानी। मजलिस के तीन सुतून है, मजलिस के तीन अरकान है, ये तीन रुकनों से मिलकर मजलिस बनती है। रोने वाला तरजीहन तकरीबन भी पहले रोने वाला है, यानी मैं हूं या ना हूं मगर आप हैं, यानी जाके हो या ना हो मगर सामे है, आप अकेले भी रो सकते हैं, आप मेरे मोहताज नहीं है मगर मैं आपका मोहताज हूं जी, आपकी इज्जत मुझसे ज्यादा है, मासूम की जबान में पहले आपका नाम लिया गया है, यानी मजलिस में बैठने वाले की इज्जत मजलिस पढ़ने वाले से ज्यादा है। अगर ये सारे जाकिरीन समझ लें, सलवात पढ़ लें मोहम्मद तो कुछ रवैये तब्दील हो जाएंगे, कुछ मामला तब्दील होते चले जाएंगे। मन बका, मैं तो नहीं कह रहा, तो मासूम का फरमान आपको सुना, जो रोया रोने वाला यानी आप सामने, और जिसने रुलाया यानी जाकिर, और जिसने रोने का माहौल बनाया, तो तरतीब में बानी या मजलिस आखिर है, बानी की तरतीब में आखिरी कैफियत है, जो मजलिस का इंतजाम करता है, इंतजाम करता है, खर्चा करता है, मिसाल दावत देता है, खुतबा को जाकिरीन को पढ़ने वालों को, वो तीसरे दर्जे पर है, और अजीब कैफियत है कि वो पहले दर्जे पर रहता है, साल भर उसकी सियासत भी रहती है, जनरल अमूमी बात कर रहा हूँ मैं, कोई अपने पर ना ले जाए, और अच्छा बहुत सब मैं जानता ही नहीं हूँ, मेरा जाहिर होना भी बाजार एतबार से अच्छा है, हर बात का इल्म भी अच्छी बात नहीं है, सलवात पढ़ ले रहा हूँ, साल भर तक उसे एक मजलिस, उसे एक अशरे, उसे एक बानी मजलिस होने के एतबार से साल भर तक उसकी सियासत भी रहती है, ताल्लुकात भी रहते हैं, वास्तेदारियां भी रहती हैं, मजलिस के दौरान उड़ान टपट भी अच्छी खासी कर लेता है, तो लेकिन उसको समझना चाहिए बात के मासूम की जबान में सबसे ज्यादा फजीलत उनकी है जो फर्श अज़ा पे आके बैठे हैं। अगर जाकिर और बानी ये बात समझ ले तो जाकिर का भी रवैया बदल जाएगा, असल मसला भी सारा रवैये का है, सारा मसला रवैयों का है, मुल्क में जो हालात हैं चाहे वो उमूमी हालात हो यानी मुल्क की शहरियों के हालात हो, हुक्मरानों के रियाया के हालात हो, जजेस के और फोर्सेस के हालात हो, वो सारे मसले रवैयों की बुनियाद पर, रवैये और कुछ तब्दील होंगे मसाइल नतीजे कुछ और निकलने शुरू होंगे, और यही कैफियत हमारे घरों के मसाइल में भी है। अजीजा निगरानी, मैं एक खुलिए में आपके सामने बैठा हूँ, पुलिसमैन का एक खुलिया है, डॉक्टर्स का एक खुलिया है, जजेस का एक खुलिया है, मुकला का एक खुलिया है, ये खुलिए खिदमतों का उन्वान बता रहे होते हैं कि ये किस शोबे का बंदा है, बोलिए नौकरी का उन्वान बता रहे होते हैं, हुक्मरानी का उन्वान नहीं बता रहे होते, इन होलियों से कोई हाकिम नहीं बन जाता, ये तो पुकार कर बता रहा होता है, चलते फिरते बता रहा होता है कि मेरा काम क्या है, मैं भी जो कपड़े पहने बैठा हूँ ना, ये एक होलिया है, और इस होलिया से कुछ पता चलता है कि ये कौन है, ये होलिया होलिये फजीलतों का सबब नहीं है, मतलब मेरा ये होलिया भी फजीलत का सबब नहीं है, कुछ और चीज होगी फजीलत की, ये होलिया नहीं, इसलिए कि अगर होलियों पर हम चले गए, थक चले गए तेरी बात, अगर हम होलियों पर चले गए तो अजीज धोखों के अलावा फरेब के अलावा रिश्वत नहीं, होलिया का नाम तो फरेब देना है, आप महंगे कपड़े पहने में किसी को देखते हैं तो बढ़कर सलाम करने का दिल करता है, किसी का गाल उधरा हुआ हो तो उसके सलाम का जवाब भी नहीं देते, तो कौन सी चीज है जिसने हमें धोखा दिया है, एक दो करोड़ की गाड़ी से उतरेगा तो हम बढ़कर सोचते हैं कि पूछे कौन है, कौन साहब है, वो बेचारे साइकिल पर आ रहा है, कोई नहीं पूछ सके कौन साहब, इसका मतलब गाड़ी की बुनियाद पर हमने फर्क डाला है, हमने डबई खोली, हमें बड़े महंगे घर से निकल रहा है, चलते में नजर आया क्या खूबसूरत मकान है, इतना खूबसूरत इतना महंगा मकान देखकर भाई किसका है, हम इसके बारे में पूछ रहे हैं किसका है, मगर जिसे जिसकी छट्टा पक रही है उसके बारे में कभी नहीं पूछा हमने, घर किसका है जिसकी छत पक रही है, जिसके घर गिर रहा है, जिसकी दीवार गिरी हुई है, जिसका मतलब है कि होलियों की बुनियाद पर हमारे रवैये बदलते हैं। अजीज अली ग्रामी दौर वैसे भी बैंकिंग का है,
जिसकी पैकिंग अच्छी है और सी कीमत भी अच्छी, और हम तो वैसे ही हुसैन के दरवाजे पर बैठे हैं जहां ऐनक तब्दील करवाई जाती है। हम होलियों के बुनियाद पर तो फैसले लेते ही नहीं है। बस जुमला महसूस कीजिएगा, इस्लाम होलियों का नाम नहीं है, रवैयों का नाम। रवैया पुकार का बताएगा कि कौन इस मजलिस की बरकतों में। एक बरकत यह है कि हम वो देखने लगते हैं जो करबला वाले हमें दिखाना चाहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मजमूई तौर पर तो हालात बेहतर हैं। कुछ कुछ कहीं कहीं हमें कुछ कमजोरी कमी नजर आती है, देखते हैं मिलती है, उसका ठीक करना भी, उसकी इसलाह करना भी हमारा आपका काम है। फरिश्तों ने आके काम खराब नहीं किया है, फरिश्ते आके ठीक नहीं करेंगे। हमने और हम जैसों ने ही मामला खराब किए हैं, और हम ही और हम जैसे ही ठीक करेंगे, और ठीक होने की पर तवज्जो हो जाए तो ठीक होने में एक लम्हा लगेगा, ठीक होने में देर नहीं लगेगी, तवज्जो में देर होगी बस। और इस मेंबर का एक काम यह है, इस फर्श अदा का एक काम यह है कि तवज्जो दिलाते। मैं असली बात यह कर रहा था कि खुद ब खुद कुछ चीजों का हम पर असर है। ये रोना, रोने के लिए हम पैदा नहीं हुए, ये क्या बात हुई कि घंटे तक रोनाते रहे। जरा महसूस करें कि इसकी तासीर क्या है, जरूरी है। इसकी एक तासीर है जिसकी कदर करने की जरूरत है। पहले तो इन बच्चों और जवानों से कहूंगा कि आप तासीर पर तवज्जो कर लें तो फिर आपको रोने की फजीलत समझ में आ जाएगी। फिर आप ये सवाल ये नहीं उठाएंगे, बेकार सी बात नहीं करेंगे कि रोने के लिए हम पैदा नहीं हुए, क्यों रुलाया जा रहा था, इतने एक घंटे तक हमें रुलाया गया, क्यों रुलाया गया था, तो कोई काम की बात नहीं। साहब कहने जी कोई काम की बात नहीं है, घंटे रुलाया गया, अफसोस की बात। यानी जो घंटे तक रुलाया गया तो उसे काम ही नहीं समझ रहे। हमें गौर करने की जरूरत है कि इस रोने से तासीर क्या है। इस रोने से जो तासीर है ना, वो तासीर है जो अल्लाह रोजे से चाहता है, नमाज से चाहता है, हज से चाहता है, ज्यादा ज़कात से चाहता है, ज्यादा उम्र से चाहता है, जो जिहाद से चाहता है, जो अल्लाह अमर बिल मालूफ व नहीं अनिल मुनकर से चाहता है। जितने उसूल फुरूए दीन है उन सब की जो तासीर है वो तासीर रोने में भी। मसलन किसकी नमाज ज्यादा अच्छी है, जिसके खुशू खुशबू हो, किसका हाथ ज्यादा अच्छा है, जिसका दिल मुड़ा हुआ हो, झुका हुआ हो, खासे हो, कौन रोजेदार ज्यादा काबिल कबूल अल्लाह की बारगाह में, जो जिस दिल की कैफियत उसकी रोजे की हो। आप साथ जिहाद में भी जो मैदान में उतरा है माले गनीमत लूटने के लिए, वो भी मुजाहिद नजर आ रहा है। फिर कौन सा मुजाहिद है जो बड़ा मुजाहिद है? मुजाहिद वो है कि जो जिहाद करने गया है अल्लाह की खातिर, और अल्लाह की खातिर जिहाद करने का मतलब यह कि दिल से काम करने गया, सच्चाई के साथ काम करने गया। इन तमाम इबादात का फलसफा दिल की आमादगी है, इन तमाम इबादात का फलसफा खुजू खुशू का बढ़ जाना है। अजीजाने गिरामी, गिरिया हमें उस दरवाजे पर लाके खड़ा कर देता है जहां बस एक कदम पर जन्नत है। सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद वाले वाले दिलों को आमादा कर देता है भाई, हमारे जहनों को तैयार कर देता है, हमें कुछ देर के लिए करबला ले जाता है। जब हम मसाइब पढ़ते हैं, मसाइब सुनते हैं, तो इतनी देर तक ऐसा लगता है जैसे उस मंजर को देख रहे हो। हम रोजाना बल्कि दिन में कई कई बार करबला जाते हैं। एक साहब ने टीवी चैनल पे कहा सिर्फ करबला सिर्फ इश्क मुहर्रम में ही होता है आपको। मैं कहा नहीं, आपने हमें शायद देखा नहीं है, हमारा तो कोई अजीज मजा है तो स्वयं पर भी हुसैन को याद करते हैं, दसवें बीसवें पर भी इमाम हुसैन को याद करते हैं, चेनो मसी पर भी, और फिर शहमाई और शहमाई और नौमाई की वजह से। और अगर किसी को अल्लाह ने तौफीक दिया तो वो उसके घर में हर जुमेरात पढ़ना, हर दिन पढ़ना, हर जुमेरात को उस मज़मून की मजलिस हो रही होती कम से कम 6 रुक तक। तो हम तो अपने मरने वाले के जरिए से रोजाना हुसैन को याद करना चाहते हैं। तुम्हें नहीं पता था या सोशल मीडिया आजाद नहीं था तो तुम्हें आज 2 साल पहले पता चला कि अरबईन भी चेनू भी होता है पाकिस्तान में, तो ये तुम्हारा कसूर है। चेनू तो हम सदियों से करते आते हैं। दिल का नरम हो जाना, जिसका दिल नरम हो जाएगा वो अच्छा भाई भी होगा,
वो अच्छा हम अच्छी बहन भी होगी, जिसका दिल नर्म हो जाएगा वो अच्छा शौहर भी होगा, अच्छी जोजा भी होगी, अच्छा बेटा भी होगा, अच्छी बेटी भी होगी, अच्छा पड़ोसी भी होगा, अच्छा बॉस भी होगा, अच्छा मातहत भी होगा, अच्छा मालिक भी होगा, अच्छा नौकर भी होगा। सारा मसला ही एहसासात का है। आप सारी तालीमात कुरानी और तमाम इस्लामी पैगामात को उठा के देखें, सिर्फ और सिर्फ सबकी रूह यह है कि एहसास है क्या। हम सबको बाएहसास बनाना चाहता है अल्लाह, और बाएहसास बनाने का एक बेहतरीन जरिया है क्रिया। जो रोने वाले लोग हैं ना वो किसी को रुलाते नहीं है। पूरी दुनिया में चले जाइए आप, हुसैन पे रोने वालों की तस्वीर ही कुछ है। और जी जी मैं एक एयरपोर्ट पर उतरा, मुझसे एक साथ पूछने लगे आपने क्या पहना हुआ है। मैंने कहा कि मुस्लिम स्कॉलर्स ऐसा पहनते हैं जैसा मैं पहने हूँ, अंग्रेज थे। कहने लगे मुस्लिम स्कॉलर्स में से है तो बताइए प्रॉफिट मोहम्मद के घर वालों को मानते हैं या दोस्तों को। मैंने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद के दोस्तों का एहतराम करते हैं, इताअत घर वालों भी करते हैं। प्रॉफिट के घर वालों की इताअत जो लोग करते हैं वो अच्छे मुसलमान हैं। गला नहीं काटते किसी का, जाके फटते नहीं है किसी मस्जिद में, वो अपनी जान नहीं देते किसी फजूल काम में। आपकी कदर करने की जरूरत है, अपनी अहमियत पहचानने की जरूरत है। जैसी मजबूत कौम हुसैन के अज़ादारों की है, ऐसी मजबूत कौम दुनिया में कोई नहीं है। हम कई कई बार तो मुकम्मल मिटाए गए तारीफ के अंदर, मुकम्मल खत्म किया गया है, और फिर दोबारा से ऐसे जिंदा होते हैं जैसे हम कहीं गए थे। यही मुतवक्किल जब उसने चुन चुन कर शिया खत्म करवा दिए, तो उसके जनरलों ने आकर, उसके फौजियों ने, उसके सिपाहियों ने, अफसरों ने आके कहा कि हमने सारे शिया मार दिए। उसने कहा नहीं, इनके इमाम जानते हैं कि अपने चाहने वालों को कैसे बचाएंगे, इनके इमाम अपने चाहने वालों को बचाना जानते हैं। हुजूर अपने सब मार दिए। कहा नहीं बस ऐसा हो नहीं सकता कि सब शिया मर जाए। कहने लगे फिर क्या करें, आप बताएं कि हमें क्या करना है। कहने लगे खरे बाजार में चलते रस्ते पर, अब जुमला देखिए उसका है दुश्मन का मगर जुमला हमें हमारी कदर पहचानने के लिए मददगार है। कहने लगे चलते बाजार, भरे बाजार में चलते रस्ते पर किसी पर बिना वजह जुल्म करो, जो भी बचाने निकलेगा वो शिया होगा। फिलिस्तीन में एक घर भी शियों का नहीं है, सबसे ज्यादा शिया हिमायत करते होंगे। एक घर भी शियों का, एक घर भी, एक घर नहीं है तो मस्जिद हमारी कहा होगी, मोहम्मद का कहा होगा। पूरी दुनिया के शिया फिलिस्तीनियों की हिमायत करते हैं, लोगनान, अफगानिस्तान, कश्मीर, बहरे, मिसाल जहां जुल्म होता है आवाज अगर कोई उठाता है तो शिया होता है, दूसरे साथ मिल जाते हैं। अच्छा अक्सरियत में और साहब वो क्या है, सवाद आजम तो हम है, सवाद आजम है तुम सारे काम भी तुम करो। उम्मत के जो मसाइल होते हैं, जो उम्मत की परेशानियां होती हैं, उसमें सवाद आजम तो खड़ी नहीं होती। मैं बड़े इत्मीनान के साथ बात कर रहा हूं, मुझसे ज्यादा शायद ही पाकिस्तान में चार पांच ही लोगों के जो तात्कर मुस्लिम पर काम करते हैं, मैं उनमें से अलहमदुल्ला एक हूं। इसलिए मेरे मुंह से आप सुन लीजिए बात, अक्सरियत जो मेरे अजीजों की भाइयों की हमारी जान है ये, मगर उम्मत के मसाइल के अंदर अगर कोई आगे नजर आता है तो वो शिया नजर आता है। आपने कभी गौर फरमाया कि 1400 साल पहले इस्लाम को बचाने के लिए एक बीबी निकली जिसे ज़ैनब कुबरा कहा जाता है। कूफे के बाजार से, कूफे के दरबार में, शाम के दरबार में इस्लाम को बचा कर आ गई, और आज 1400 साल के बाद भी पूरा आलम इस्लाम का जो बॉर्डर है ना, अगर वो महाज टूट जाए तो पूरा इराक, आधा ईरान तक इसराइल का हो जाएगा। नक्शा दिया हुआ है उन्होंने, तो मेरी बात नहीं करता, इसराइल ने, सहियोनियों ने अपना जो नक्शा दिया है कि हमें यहां तक इसराइल बनाना है, पूरा पूरा इराक उसमें शामिल है, शाम पूरा शामिल है, बहरैन, कतर, सऊदी अरब ये सब उसमें शामिल है, और ईरान का शूश तक कहता था हजरत के मजार तक कहता था, आधा ईरान उसमें शामिल है, यानी पूरी पूरा अरब वो कहते हैं हमारा, जहां जहां नबियों के आसार है वो हमारे हैं, ठीक है। तो अगर वो बॉर्डर पे से जनाबे ज़ैनब हट जाए,
पूरी दुनिया के इस्लाम हो, इस्लामी दुनिया को आज भी अली की बेटी बचा रही है। गलती की बहुत बड़ी इन्होंने बीबी के गुंबद के ऊपर मिसाइल मारा 4 साल पहले, पूरी दुनिया उतर आई इसके अंदर बीबी की हिफाजत, बीबी के मजार की हिफाजत। और आज वहां का ईसाई, मैं भी 10 दिन पहले वहां था, आज वहां का ईसाई, वहां का यहूदी, वहां का सुन्नी, वहां का शिया, वहां का शहरी और बहुत सारे मजाहिब है वहां पर, तस्वीर अभियान है, वो सब एक बात पर मुत्तफिक है कि अगर शाम को कोई बचा रहा है तो वो जनाबे ज़ैनब बचा रहा है। बल्कि मुझसे एक वहां की एक रस्मी शख्सियत ने कहा, यानी ऑफिशियल एक शख्सियत ने मुझसे कहा कि जैसे आपके यहाँ कराची वालों के यहाँ मशहूर है ना कि समंदरी तूफान आते हैं हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी, ऐसे ही पूरे शाम को अगर कोई बचाता है तो वो जनाबे ज़ैनब बचाता है। और जनाबे हिंदू शिया हुए आए हैं
अच्छा इस साल तो जरा ज्यादा हो रहा है हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। अशरे उल्ला के बाद से लेकर मुसलसल हर मजलिस में दो चार पांच लोग खड़े हो जाते हैं कि जी हम शिया होना चाहते हैं, तो मैं तो पहला पूरा इंटरव्यू करता हूँ मजलिस में, क्यों भाई क्या मतलब है, हमें भर्ती तो करती नहीं है, क्यों शिया होना चाहते हो, पहले मतलब बताओ। कि जब वो अपना मतलब बता देते हैं तो फिर रोशन हो जाता था, किसी को रोक तो सकते नहीं जी, जब यहाँ आने से नहीं रोक सकते तो यहाँ रहने से कैसे रोकेंगे। सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद वाला, मगर उसकी बेवकूफी का फायदा हो रहा है मजबूत तौर पर, उसने इस साल कहा मजाने बंद करवाएंगे, सबसे ज्यादा इस साल ही लोग शिया हुए हैं, एक बहुत बड़े गैप के बाद इस्माइल देवबंदी साहब के जमाने में, मुफ्ती के फैज हाफिज के फैज साहब के जमाने में, उस जमाने में बुखारी साहब का जमाना पुराने वक्त के, उस जमाने में लोग ज्यादा शिया होते थे, अब बहुत बड़े गैप के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद शायद हूं 100 से ज्यादा, तो इसी साल के नहीं पिछले दिनों में लोग शिया हुए, तो बस और किसी को हम रोक नहीं पा रहे, हम क्यों रोकेंगे भाई किसी को, चाहता है मौला का मौला के खेमे में आ जाए, मौला की नौकरी में आ जाए, दरवाजा तो सबके लिए खुला हुआ है, वैसे भी हम मस्जिदों में मजलिस नहीं करते, हम इमाम बारगाह अलहदा बनाते हैं, हम दूसरों से ज्यादा खर्चा करते हैं, हम दूसरों से ज्यादा खर्चा करते हैं इसलिए कि मस्जिदों में हिंदू नहीं आ सकता, यहूदी नहीं आ सकता, ईसाई नहीं आ सकता, मगर इमाम बारगाह हुसैन का खेमा है, हर आने वाले हुर के लिए खुला हुआ है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, बहुत शुक्रिया, मैंने आपको बहुत सहमत दी कि फलसफा ऐसा इन मजलिसों की कदर, दुनिया की कोई एक यूनिवर्सिटी बनाया उससे ज्यादा आप घूमने वाले लोग बैठे हुए हैं, दुनिया में जाने वाले, मैं ऑक्सफोर्ड भी गया हूँ, कैम्ब्रिज भी देख कर आया हूँ, दुनिया की कोई एक यूनिवर्सिटी बताएं जिसमें ऐसी क्लास रखती हूँ जैसे इमाम हुसैन के मदरसे में लगती है, इमाम हुसैन के मदरसे में जो क्लास रखती है दुनिया की किसी महंगी यूनिवर्सिटी में भी लगती है जी, कितने महंगी महंगी फीसें देने के बाद भी वहां ये रौनक नहीं होती जो यहाँ होती है, और यहाँ आने वाले का ना सिर्फ यहाँ आने वाले को सिर्फ तालीम नहीं दी जाती, खुद ब खुद एक तरबियत भी हो रही है। सिर्फ एक मिसाल दूंगा, सब जूतियां उतार के बैठे हैं ना, सबने बाहर जूतियां उतारी है फिर इमाम बारगाह में आए, मौला अली ने जूतियों का नाम दुनिया रखा है, हम अपनी दुनिया छोड़ कर आते हैं। ये कैफियत ये रूहानियत इसके पीछे मेहनत है, कोई खबर करे अजाई मुखालिफों को कि हमसे हुसैन छुटेंगे नहीं, हमसे हुसैन कोई छीन नहीं सकता, ये जिक्र हमसे छुटने वाला नहीं है, हम दुनिया में आने से पहले के हुसैन ही हैं। मजलिस में डॉक्टर हजरात भी बैठे हैं, माँ के शिकम में बच्चा चखता नहीं है, जो मां खाती है कोई बच्चा नहीं खाता पिया, सूंघता नहीं है, बोलता नहीं है, देखता नहीं है, लम्स नहीं करता बच्चा, सिर्फ और सिर्फ मां के शिकम में बच्चा सूंघता है। आज की मेडिकल साइंस भी कहती है, कुरान भी कहता है कि मां के शिकम में बच्चा सिर्फ सुनता है,
जो माँ सुनती है वो ये सुनता है, हमारी माँ का हम पहचान है। हमें दुनिया में आने से पहले मदरसे में ले जाती थी, हम दुनिया में आने से पहले हुसैन के नाम से आशना थे, लिहाजा हम पैदाइशी शिया और पैदाइशी हुसैनी नहीं है। मजीद पढ़ेगा काम, मजीद बढ़ रहा है काम। इमाम बागरा पहले जब बने थे 100 साल 200 साल पहले तो बहुत बड़े बने थे, अब ये इमाम बागरा छोटे हुए, इमाम बागरा छोटे नहीं हुए हैं, आजादारों में इजाफा हुआ। ये 2-2.5 घंटे के फासले पर मेरे एक भाई रहते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे क्लिप डालते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी खुकियाँ देते हैं। वो पिछले दिनों कहते हैं कि शिया कौम बढ़ेगी नहीं, सिर्फ खानदानी शिया ही बाकी रहेंगे, इसलिए क्या मामूल बातें नहीं हो रही। तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि भाई तुम्हें दिन की रोशनी में सूरज नजर नहीं आ रहा, क्या कहा है? मैंने इसको गाली दी है।
क्या कहा तुमने? कहा मैंने भगवान कहा। मैंने भगवान कौन है? कहने गाली है। अगर अहले बैत का दुश्मन गाली बन जाए कितने ही मैं घर जानता हूं ऐसे सुन्नत के जिनके आलम लगे जिनके ऐसे दुलजना का जुलूस निकलता है किसी मुल्क में, कहीं और की बात नहीं कर रहा, हिंदुस्तान में तो है इसी तरह लग रहा है। यहाँ इसी मुल्क के अंदर कितने ही सुन्नी है जिनके घर से दुलजना का जुलूस निकलता है, अलग का झूले का जुलूस निकलता है। सुन्नी है वो, खानदानी सुन्नी है, आसमान की नमाज पढ़ते हैं, निगाह उनके अहले सुन्नत आलिम पढ़ाते हैं, जनाजा उनके अहले सुन्नत आलिम पढ़ाते हैं, वो खुद को कहते भी हम सुन्नी है, काले कपड़े पहनते हैं, नियाज करते हैं। सकाफत को बचाने की जरूरत है और इस सकाफत को बचाएंगे सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के जरिए। कोई शिया शिया नहीं है तो कोई सुन्नी से नफरत करेगा, वो शियत की रूह से आशना नहीं है सुन्नी से नफरत करने वाला। सुन्नी से मैं प्यार करना है, बहुत देर हो गई मुझे बातें करते हुए, मुझे वो सुन्नी बहुत अच्छा लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है। कर्बला में, नजफ में, मशहद में लाखों शियों के दरमियान 20-50-100 दर दाएं बाएं कहीं कहीं नजर आ रहे होते हैं, हाथ बांध के नमाज पढ़ रहे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक इस वजह से अच्छा लगता है कि वो लाखों शियों में हाथ बांध कर बताता है कि मैंने जो दीन समझा है उसमें अमल करने की जुरत भी रखता हूं, और जरूरतमंद लोगों से तो वैसे ही हमें प्यार होना चाहिए। दूसरा, तो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़कर बताता है शियों से डरना नहीं है, मारते नहीं है। मगर मेरे बच्चों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, नाराज ना होना, एक जुमला बर्दाश्त कर देना, जितना वो सुन्नी मुझे अच्छा लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है, इतना ही वो शिया बुरा लगता है जो चार सुन्नियों में हाथ बांध लेता है। जब चाहते हैं वो हाथ मान देते हैं। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले, मेरी मजलिस में तो यही होगा भाई, सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले। जन्नत में लोग जाएंगे ना,
माशाल्लाह इतनी बड़ी जन्नत है, लोग अभी कम है, उन्हें इजाफा होना है। इंशाल्लाह ये सिलसिला बढ़ेगा और हम और आप अपना अपना किरदार अदा करेंगे। हम रहेंगे नहीं मगर ये कारवान जारी रहेगा। हम नहीं थे मगर ये कारवान पीछे से चलता आ रहा है। हमारी नस्लें करेंगी, क्या मालूम क्या निकल आएगा। और इमाम की आमद की खुशबू भी आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता जुहूर के आसार मजबूत होते जा रहे हैं। इमाम आएंगे तो इमाम की अमानत उनके हवाले करेंगे जो हमारे बड़ों ने हमें दी थी। और वो इस जिक्र की सालिमियत है, इस जिक्र की हिफाजत है जो हम करते आ रहे हैं, हमारे बड़े करते आ रहे हैं। और अजीजो बस इसको एहतमाम के साथ और इंतजाम के साथ हर साल से ज्यादा बेहतर करना है। कमी नहीं होनी है, बढ़ावा होना है, बेहतरी आनी है, इंतजाम बेहतर होना है, तवज्जो बेहतर होनी है। क्या मालूम कि आइंदा सालों में हमारे लिए वक्त ना रहे तो हर मजलिस को, हर जिक्र अहले बैत को अपने लिए आखिरी समझ के अंजाम दिया जाए। नहीं रहे हमारे पर साहब, मैं तो 3 साल आता हूँ या 3-4 साल गया है, तो इतने एहतमाम से इतने तवज्जो के साथ वो अपना काम करते रहे, उससे पहले उनके बड़े करते रहे और ये पूरा सिलसिला है। आइंदा बच्चे करेंगे, उनके भाई करेंगे, अजीज करेंगे, आप सब में हम सब मिलकर करेंगे। उनके अहलिया हैं, उनके बच्चे हैं, उनके आत्मादे के लोग हैं। चलिए कुछ देर के लिए अपने जहनों को एक असीर इमाम की मुसीबत की तरफ। इस घराने का मुसीबतों का उन्वान भी बड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ असीर छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, यहाँ असीर इमाम ज़ैनुद्दीन भी थे, यहाँ असीर रहने वालों में अल्लाह अकबर कोई एक इमाम बताएं जो असीर ना रहा हो, या शहीद हुआ या असीर हुए, या उनके बच्चे असीर हुए, या उनकी बेटियां असीर हुई, असारत तो वो भी ऐसी ऐसी असारतें। 14 साल कैद कहता हूं कि साहिब इज्जत को 1 साल भी अगर जेल में रखा जाए उसके लिए बड़ी मुसीबत है। और पीछे आइए, 1 महीना 1 दिन उसके लिए बहुत बड़ी आजमाइश है। इस घर की असारत की तारीख तो बड़ी अजीब है, यहाँ 4 साल बच्ची भी असीर है, यहाँ सानिया जहरा ज़ैनब कुबरा भी असीर है, यहाँ इमाम हुसैन की ज़ौजा जनाब उम्मे लैला भी असीर है, अली असगर की माँ जनाब रबाब भी असीर है, कौन कौन असीर है, एक सफेद बालों वाली बीबी फिजा भी असीर है। एक लम्हे के लिए सोचिए, इज्जतदार लोग बैठे हुए हैं, अगर हमारे घर की खवातीन के करीब कोई अजनबी आ जाए और वो उनसे तल्ख और धुंध लहजे में बात कर रहा हो, हमारी जिंदगी तल्ख हो जाती है। सलाम हो इमाम सज्जाद पर, सलाम हो इमाम ज़ैनुद्दीन पर, 11 मुहर्रम को देख रहे हैं टूपियों को रस्सियां बांधी जा रही है, माँ को रस्सी बांधी जा रही है, वो 4 साल बच्ची जो सबसे ज्यादा प्यारी है इमाम हुसैन को, गले का ताबीज है हुसैन इब्न अली, बगैर सकीना के हुसैन को घर में लुत्फ नहीं आता। और एक जगह फरमाते हैं मुझे वो घर अच्छे लगते हैं जिन घरों में सकीना और रबाब नामी औरतें होती हैं। किस असीर की बात करूं, एक असीर इमाम की शहादत की मजालिस है, किस असीर पर मजलिस आज मुकम्मल की जाए। मेरा दिल कह रहा है कि चलिए, मैं भी ताजा अभी कुछ दिन पहले होकर आया हूं, मेरा जहन अभी वहां से हट नहीं रहा, वो एक असीर बीवी
जिसकी छोटी सी खबर है और असीर भी ऐसी है कि सब रिहा होकर मदीने चले गए मगर वो आज भी जिंदा निशान में है। वो चार साल हुसैन की बेटी सकीना। इस साल तो पाकिस्तान एयरलाइन ने हमें दमिश्क उतारा, फिलहाल फ्लाइटें जारी हैं, वीआईए ने फ्लाइटें शुरू की हैं। दो साल पहले जब मैं गया तो हम बैरूत में उतरे और वहाँ बादबक से होते हुए लुबनान के बॉर्डर से शाम में दाखिल हुए। तो बालाबक जब पहुँचे तो मेरे लिए अजीब कैफियत थी कि एक शख्स ने आके कहा बालाबक में हुसैन की दो बेटियों के बाजार ज़ियारत के लिए कब जाएंगे। हमने मालूमात ली तो मुसद्दका दो बाजार हैं, हम बाजार पर गए। एक बीबी की उम्र 12 साल थी और एक बीबी की उम्र 18 साल थी। इमाम हुसैन की दो बेटियां दोनों के बड़े बाजार बन रहे हैं, तामीरात हो रही थी। मैंने पूछा कि इनकी शहादत कैसे हुई तो बताया गया कि तारीख में हमने पढ़ा कि जब ये काफिला बालाबक से गुजरा तो एक बीबी तो ऊंट से गिरी और ऊंट ने पैर काट दिया और एक बच्ची को सर पे पत्थर मारा गया। सर के जख्म की वजह से वो शहीद हो गई। मैंने कह दिया आपने सुन लिया, जब ये कब्र बना बना के काफले आगे काफला आगे बढ़ता होगा तो उन माओ से पूछें जो अपना दिल वही छोड़ छोड़ कर आते हजरतारो। जलते हुए खेमे से इमाम सज्जाद का लाना ये जनाब जैनब के लिए बड़ी मुसीबत, बड़ा इम्तहान, बड़ी आजमाइश थी। एक राबी कहता है कि मैंने देखा कि एक बीबी है जो जलते हुए खेमे की चोप से टकरा रही है, अंदर जाती है चोप लगती है उसे, पीछे हटती है दूसरी तरफ से जाती है, फिर वो टकरा कर वापिस आती है, आग भड़क रही है। तो कहता है मैं ये समझा, यजीदी सिपाही है, कहता है मैं ये समझा कि शायद इसके सर पे किसी ने चोट मारी है जिसकी वजह से इसकी आंखों का नूर चला गया है और इसे आगे नजर नहीं आ रहा कि जहाँ जा रही है वहाँ आग चल रही है। कहता है मैं दौड़ता आया, मैंने कहा बीबी तुम्हें नजर नहीं आ रहा आगे आग चल रही है। तो वो मुड़कर उसे कहने लगी या शेख इन्ना लना अलीर, इस खैबे में हमारा एक बीमार रह गया, अपने पैरों से चल के नहीं आ सकता। और वो अली की बेटी ज़ैनब जलते हुए खैमे में अंदर गई और अपने कुछ पर अपने बीमार भतीजे को उठाकर लाई। रो रहे ना आपकी आवाजें बंद हो गई। मेरा सवाल है रोने वालों से, जलते हुए खैमे से इमाम सज्जाद को लाना कितना मुश्किल था? उससे ज्यादा मुश्किल था कब्रे सकीना से बीवी रबाब को उठाना। जनाबे रबाब को उठाकर लाते थे, बीवी फिर चली जाती। जनाबे रबाब को लाकर बिठाते थे, बीवी फिर चली जाती। इमाम सज्जाद ने फरमाया फूफी अम्मा हम सब चलेंगे अम्मा को लेने के लिए। आगे आगे इमाम सज्जाद थे, पीछे पीछे बीवियां थी। जैसे ही जिंदाने शाम में कदम रखता ना, सुनेंगे रो रहे हैं ना आप, क्या देखा जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए, ऐसे जनाबे रबाब ने कब्रे सकीना को सीने से लगाया हुआ है और बार बार कहेंगे सकीना उठो हम मदीने वापस जा रहे हैं, सकीना काफला मदीने वापस जा रहा है। जनाबे ज़ैनब की आवाज आई, भाभी काफला तैयार है। फरमाने लगी ज़ैनब मेरा मदीने में कौन है, मेरा वाली करबला में रह गया, मेरी बच्ची अकेली है। आवाजों को आजाद करेंगे अगर रोना चाह रहे हैं, मैं दो मंजिले और लूंगा। जब आप ऐसे बुलंद आवाज से रोते हैं इमाम जाफर साहब ने दुआ देते हैं, कैसे उठाकर लाए हैं जनाबे रबाब को। जनाबे रबाब मुड़ मुड़ कर बच्ची की कब्र देखती रही, महफिल में बिठाया गया, काफला चलने लगा। जनाबे ज़ैनब ने देखा कि ऊंटों के अतराफ में, महफिलों के अतराफ में शाम के देहात की औरतें जमा हो रही हैं और वो एक बात कह रही है अलविदा या ज़ैनब, नौहा बंद कर ज़ैनब खुदा हाफिज, ज़ैनब खुदा हाफिज। जनाबे ज़ैनब ने महफिल का पर्दा हटाया, जनाबे रबाब को भी तसल्ली देना चाहती है, महफिल का पर्दा हटाया और कहा ऐ शाम की औरतों मुझ पर एक एहसान करो। शाम की औरतों ने कभी भी हुक्म करेगी कब्रे सकीना की तरफ इशारा करके कहा हमारी सकीना को अकेला ना छोड़ा।
سکینہ کی زیارت کو لے جائے، جب آپ جائیں نا تو جاری سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، کڑیائیں لا کے ڈالتی ہیں، اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں، تمہاری ماں سے وعدہ کیا، تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا، تمہاری قبر پر آتے رہیں گے۔ جو کمر اللہ گریا ہو گیا، مجلس ہو گئی، ہزاروں ایک منزل اور آ جائیے آگے۔ یہ بی بی جسے زندان شام میں چھوڑ کر آ گئے، اس بی بی کا جناب رباب پہ بڑا اثر تھا، جناب سکینہ کا جناب زینب پر بہت اثر تھا۔ میرا تو دل کہتا ہے، میری کیفیت کہتی ہے کہ جناب زینب شام میں جو دوبارہ آئی ہے نا، اس کا ایک سبب خود سکینہ تھا۔ میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے بچوں کی حفاظت کروں گی، میں حسین کی بچی کو شام میں کھو کر آ گئی ہوں، میں سکینہ کو بچا نہ سکی تو اب میں سکینہ کے ساتھ رہوں گی۔ جو شام دوبارہ بی بی گئی ہے، ایک طویل داستان ہے، تاریخ ہے کہ کیوں گئی اور کیسے گئی، کب گئی، مگر ایک سبب بی بی سکینہ کی قبر پہ جناب زینب کا جانا اس وجہ سے بھی تھا۔ بس آخری منظر دیکھ لیجئے کہ جب جابر ابن عبداللہ الانصاری پہلا زائر قبر حسین، امام حسین کی قبر پہ بیٹھے، امام سے گفتگو کر رہے ہیں، ان کے غلام عطیہ کہہ رہے ہیں کہ میں فاصلے پہ کھڑا دیکھ رہا تھا، لگ ایسا رہا تھا کہ جیسے حسین کا جواب آ رہا ہے، یعنی ایسے گفتگو کر رہے تھے جابر جیسے جواب بھی آ رہا ہو۔ محبے کا نام تھے کہ اچانک ہڑبڑاتا بے چینی کے ساتھ کھڑے ہوئے، نابینا ہو گئے تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، تو آوازیں لگانے لگے، عطیہ آپ قریب آؤ، کہتا ہے میں دوڑتا پایا، مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھو ذرا اس چمٹ سے کوئی آ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے قبر حسین سے آواز آئی ہو، جابر ذرا اٹھ جاؤ، میری بہن آ رہی ہے۔ پوچھا دیکھو اس جانے سے کوئی آ رہا ہے، کہاں مولا کچھ کالے آ رہا ہے، ماتھے نظر آ رہا ہے، کہا میرے مجھے سہارا دو، مجھے دور لے جاؤ، یہ حسین کی بہن زینب آ رہی ہے۔ عزاداروں جناب زینب نے قبر حسین کو دور سے دیکھا، خود کو سواری سے گرا دیا، اور یہ کہتی بھی آگے بڑھ رہی تھی حسین زینب شرمندہ، سکینہ کو شام میں کھو کر آ گئی، تمہاری کمائی کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ لعنت اللہ اللہ رحمت العالمین، یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔